हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियर्स यूएस ऑन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सर्कुलर टैंक, यानी कि सर्कुलर टैंक में वाटर की कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने टॉपिक की ओर। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सर्कुलर टैंक, यानी कि इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक टैंक की क्या कैपेसिटी होती है वाटर, तो इस बारे में आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे मैंने एक वो लिया हुआ है टैंक का एग्जांपल, ठीक है, जिसकी डाया क्या है, ये फिगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 5 फीट है, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डाया होती है वो 5 फीट है, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल लिया है। और इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है, 6 फीट, ठीक। तो आपके पास जो भी मतलब टैंक होगी उसकी वैल्यू के हिसाब से आप कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वैल्यूम कैसे निकाला जाता है, तो उसका फार्मूला होता है वैल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक होगा π/4d² × h, ठीक। यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हमें रखनी होगी, 5 फीट, ठीक, डाया ये, और एच की वैल्यू क्या होगी, ये 6 फीट हाइट, ठीक है। तो अब इसको हम वैल्यू रख लेते हैं, तो π/4 × 5² ये डी वाली वैल्यू, ठीक, ये हो गई, इंटू 6 क्या दी हमारी हाइट ये 6, ठीक, 6 फीट। तो सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 117.81 क्यूब फीट, ठीक। तो ये आ गया हमारा वैल्यूम ऑफ सर्कुलर टैंक, इसका वैल्यूम हमें पता चल गया, ठीक है। अब इसकी कितने लीटर वाटर की कैपेसिटी है वो कैसे पता लगाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि एक क्यूब फीट इसकल टू होता है 28.3 लीटर्स, यानी कि एक क्यूब फीट में जो वाटर आता है, ठीक है, 28.3 लीटर्स होते हैं, ठीक है, इसको आप ये ध्यान रखिएगा, इसी से हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये वैल्यू हमें पता चल गई, अब वाटर निकाल लेंगे कैपेसिटी क्या कितनी होती है आराम से। तो वाटर इसकल टू हो जाएगा जो हमारी वैल्यूम ऑफ टैंक आया था, ठीक, उसमें मतलब कि 117.81 ये हमारी वैल्यूम ऑफ टैंक था, ठीक। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक क्यूब फीट में जितना वाटर आता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल हमें कितनी कैपेसिटी इसकी पता चलेगी। तो 28.3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो हमारा आ गया 3334.02 लीटर्स, यानी कि इस टैंक की जो लीटर्स में कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, 3334.02 लीटर्स वाटर इस टैंक की कैपेसिटी है, ठीक है। अब इसको मान लिए, बहुत से यहाँ बात आती कि इसमें गैलन कैपेसिटी क्या है, जैसे यूएस वगैरह कंट्रीज़ में गैलन में वाटर कैपेसिटी ना पी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कैसे इसको पता लगाएंगे कि एक गैलन इसकल टू होता है 3.785 लीटर्स, एक गैलन इसकल टू 3.785 लीटर्स होते हैं, ठीक है। बस हमें क्या करना होगा जी, जो हमारे ये टोटल जो आया हुआ है ये वाली वैल्यू, ठीक, उसमें हम डिवाइड कर देंगे एक गैलन की जो मतलब कि हमें वैल्यू होती है लीटर्स में उससे, तो टोटल गैलन की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। तो वाटर इसकल टू हो जाएगा क्या, टोटल वाटर जो लीटर्स की कैपेसिटी इसकी, ठीक, वो है 3334.02 अपॉन एक गैलन की जो कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 3.785, यानी कि एक गैलन जितना वाटर होता है, ठीक, उससे हमने डिवाइड कर दिया तो इक्वल टू आ जाएगा 880.85 गैलन। ये गैलन में हमें वैल्यू पता चल गई, ये लीटर्स में हमें पता चल गई, हमारा ये दोनों ही आंसर सही है, ठीक है। तो अब हमें जिसमें भी निकालना हो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हर एक नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।